स्वागत है सर आपका। हाँ जी नमस्कार जी। मैं नमस्कार सर यहाँ सहारनपुर से बोल रहा हूँ जी। जी, बताएं। मैडम ये मेरे को दमे की बीमारी है 25-30 साल से, और ये माजू नार के भी आपके खा रहा हूँ, और इन्होंने 1 ईयर भी दिया है, लेकिन पीछे मेरी स्थिति बहुत तेज खराब हो गई थी, फिर मेरे को अस्पताल जाना पड़ गया था। अब वही हकीम साहब से पूछना था कि इसका कोई समाधान है क्या। ठीक है। जी बीच में बहुत ज्यादा हकीम साहब, हाँ देखिए, अगर बहुत ज़्यादा दमा है तो आपको डॉक्टर्स की दवाएं भी लेनी चाहिए। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे लंग्स जो हैं बहुत कम काम करने लगते हैं। लंग्स काम करने के लिए उन्हें पूरी तरह फूलना चाहिए, फिर सिकुड़ना चाहिए, फूलना चाहिए, फिर सिकुड़ना चाहिए। अगर ये पूरी तरह नहीं फूल पाते हैं तो समझ लीजिए लंग्स में काफ़ी परेशानी है। तो एलोपैथिक इलाज तो छोड़े नहीं, और जो माजून आप हर केयर खा रहे हैं वो गर्म पानी से खाएं। एक बार खा रहे हैं तो 2 बार खाएं। और एक घरेलू नुस्खा भी मैं अक्सर बताता हूँ जो काफ़ी कारामद है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है। सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान एक दवा का नाम है, उनाब एक दवा का नाम है, और अलसी आप जानते ही होंगे। ये तीन चीज़ें लें 100-100 ग्राम, सपिस्तान, उनाब, अलसी। उनाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और ये चीज़ें, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेनी है। और इसमें आपके किचन में जो पीपला मूल कहलाती है, पीपले भी कहते हैं, पीपला मूल भी, ये 30 ग्राम लें। इनको मिलाकर इनको पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह खाएं खाली पेट गर्म पानी के साथ या चाय के साथ, 1 चम्मच रात को सोते समय लिया करें, और अपना इलाज डॉक्टरों से चलने दें, और कम से कम साल 2 साल दवा खाएं। अगर पुराना मर्ज है तो इतना वक्त लग सकता नाटक से हैं सलमा जी, स्वागत है आपका। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि मेरे गले में तकलीफ हो रहा था, तकलीफ हो रही थी सर बहुत दिन से। मैं धनिया का पाउडर लगाना चाहती हूँ, और मैं स्कैनिंग मैट का स्कैनिंग कराई हूँ, वो थायराइड की जगह इंफेक्शन होके गांठ निकल गई है। वो गांठ निकल को तो 1 महीना ट्रीटमेंट करी, मैं थोड़ा कम है, फिर भी थोड़ा दर्द हो रहा है दिखाई में। मैं ये धनिया का पानी भी ले रही हूँ, धनिया का पानी जैसे सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन वो थायराइड का खून चेक करे तो, लेकिन उससे थायराइड नहीं निकला सर। लेकिन थायराइड के जैसे एलोपैथी ये कराए हैं ट्रीटमेंट, लेकिन भी हो क्या हाल है सर, थोड़ा बताए जी। देखिए लंबा इलाज है, और थायराइड की दवा भी न छोड़ें, और जब थायराइड का इलाज सही नहीं मिलता तो उसकी वहाँ पर गांठ अक्सर हो जाती है। तो नमक जैतून 1-2 चुटकी, और धनिया, आंवला और मेथी 100-100 ग्राम खरीद कर इनका पाउडर बनाएं। इस पाउडर को 1 चम्मच खाएं, और नमक जैतून के पानी से खाएं, दिन में 2 बार लें, और डॉक्टरों की दवा भी लें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी मलीना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब, जय हिंद, स्वागत है आपका। हम तो ठीक है मैम, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये एक चीज बताऊंगी आपसे, डॉक्टर साहब ने ये बताए थे मुझे, ऐसा ना वो जो गर्दन की एक्सरसाइज जो है, तो उस एक्सरसाइज से मतलब हाथ की झंझनाहट वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने एक पेशेंट बताया जो गर्दन के लिए जो दर्द है वो साइवरकल कहती है, मगर वो उसकी जो एक्सरसाइज है गर्दन की तो उससे झंझनाहट भी खत्म हो जाती थी। जी, हो जाती है। और हाँ, और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, ये जो कान में हस्बैंड की जो तकलीफ है, मतलब कान बंद हो जाती है उसके बाद नाक भी बंद हो जाती है, तो इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और तीसरा नंबर जो है, मैंने जो वो गोन मरिंगा
एक साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब, अब तो एक टाइम करके लेना है, मगर कभी कभी जैसा वो एड़ी में दर्द होती है या कभी कमर में भी कभी कभी, तो ये कभी जाएगी नहीं डॉक्टर साहब। और चौथा नंबर है जो बालों के लिए हमने गनमरिंगा इस्तेमाल करा, ये बच्चों के लिए देना ठीक है? जो एक की 24 एज है और एक की 33 प्लस। आप घर का काम, मलीना जी घर का काम खुद करती हैं? नहीं, घर काम करने वाली है और वो जो लेटिन जो है वो भी कमर वाली है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आप दर्द के लिए गौन मोरिंगा की बात कर रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास गौन स्याही होगा, तो वो एक टाइम ले रहे हैं, आप उसे लेते रहिए, पंजों के बल ना बैठा करें, उकड़ू ना बैठा करें, वेस्टर्न टॉयलेट आपके पास है ही। और क्या सवाल है? कान नाक बंद हो जाते हैं इनके। हाँ, वो एक्सरसाइज आपने कहा था, वो उससे भी एक्सरसाइज से भी कान में बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज अपने हस्बैंड को भी कराइए और ऐसी दवाएं जो नज़ला ना होने दें, खांसी बलगम ना होने दें और नज़ले को खुश कर दें, ऐसी दवाएं आपको लेनी है आपके हस्बैंड को, तो फिर ये धीरे धीरे ठीक होगा। एलोपैथ आप ले ही रहे होंगे, यूनानी में आप सपिस्तान उन्नाव अलसी का नुस्खा जो 100-100 ग्राम खरीदते हैं, सपिस्तान उन्नाव अलसी 100 ग्राम खरीदें, उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंक दें, 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम दें, इससे उनके नज़ले के असरात ख़त्म होंगे, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। बालों के लिए गौन मोरिंगा, बालों के लिए तो गौन मोरिंगा आपने कहा है लेती ही हैं, और बच्चियों को भी आप 1 ग्राम रोजाना दे सकते हैं जी। आशा जी स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका आशा जी। सर, जो मैंने मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगवाए हैं तो वो कैल्शियम की टेबलेट भी खाना है या नहीं? ठीक है। और सर मेरे ये जो कंधे हैं ना, तो दोनों साइड जो गड्ढे रहते हैं ना होल टाइप, तो मेरे राइट साइड का जो बहुत अंदर, मतलब ऐसे अंदर गड्ढा होते जा रहा, तो उसके लिए कोई दवाई बता दीजिए। और सर मेरा तीसरा सवाल है, मेरे हस्बैंड को एक्जिमा है, पर वो एक्जिमा की जगह पे 2-3 महीने में सर वो फोड़ा हो जाता है और पक जाता है, फिर डॉक्टर की दवाई लेने के बाद अच्छा हो जाता है। और सर मुझे ना एक सर का फोन आया था अतिहर्ब से, बोले हम अतिहर्ब से बोल रहे हैं मार्च के महीने में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले मैडम, बोले आपके बोले 8 लाख का बोले गाड़ी खुली है, तो बोले आप लेके जाओ। तो मुझे तो सर विश्वास नहीं हुआ, मुझे पता था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया और सर से कहा कि मेरे हस्बैंड से आप बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोले हमको सर से बात नहीं करना, बोले आपसे ही बात करना है, आप 8 लाख रुपए भेज दीजिए। मैं बोली नहीं, मैं तो बिना इजाजत के नहीं भेज सकती। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फोन लगाया, उनसे बात कराई, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही उनको कहा कि मैं महाराष्ट्र पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तो सर उन्होंने वैसे ही कॉल कट कर दिया। हाँ देखिए, आपने ये सवाल किया है तो बता दूं कि हमारी तरफ से कोई भी गाड़ी आपको नहीं दी जाती, और 25,000 जमा कर दो 8 लाख की गाड़ी देंगे ये वो, हम ऐसा कुछ नहीं करते, ना मैं पर्सनली किसी को फ़ोन करता हूँ। कोई है जो मेरी आवाज़ बनाकर आपसे बात करता है कि हकीम सुलेमान से बात करा देंगे, ऐसा भी हम नहीं करते। मेरे पास भी एक ऑडियो आया है, किसी मरीज ने भेजा है, उसने रिकॉर्डिंग करके, तो मेरी आवाज़ बनाने की कोशिश करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़, आप खुद समझदार हैं क्योंकि आपके हस्बैंड और घर वाले तो जा चुके होते हैं, जब इस वक्त में वो सब दफ्तर में होते हैं या काम पे होते हैं, वो महिलाओं को घर में अकेला पाकर उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि हम कोई ऐसा ऑफ़र आपको नहीं देते लाखों रुपए का, या इतना 10 लाख आपसे मांगते हैं, हमारा तो वो 10-20 रुपए रोज़ की दवाई होती है, वही पैसे देने होते हैं, वो भी जब दवाई आपके हाथ में पहुंच जाए, आपको विश्वास हो जाए,
तो हमारे यहाँ से एक ही नंबर से आपको कॉल आएगी, जिसको आप ट्रू कॉलर में देखेंगे तो वो हमारे ही नाम से होगी, तो उनकी वो भी आप ट्रू कॉलर में देख लिया करिए, आप समझ जाएं कि वो नकली कॉल है। और ओटीपी नंबर हमारी तरफ से दिया जाता है, तो वो ओटीपी नंबर सिर्फ आपके पास होता है या हमारे पास, उसका मिलान करें, इत्मीनान करें, तब दवाई लें। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और आप भी हमारी इस मामले में मदद करें। हम उन सबको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं आपकी मदद से। अगर आपके हाथ लग जाए तो उनकी हजामत भी कर दें और पुलिस के हवाले भी कर दें, और आप जहां पर हैं वहीं पर हम आपकी पुलिस से या क्राइम ब्रांच से मदद कराएंगे। आप हमें फ़ोन करें और उनको पकड़ लें। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है दवाओं के साथ, और कभी कोई दवा हाथ में आ जाए नकली तो फिर उसे इस्तेमाल ना करें, पता नहीं वो कैसी दवा हो। बहुत परेशान हैं हम, हमारी परेशानी में आप हमारी मदद करें, बहुत एहतियात से सब कुछ करें। और सवाल बता दीजिएगा, ये कैल्शियम की जो इंजेक्शन ले रही हैं उसके साथ कैल्शियम की टैबलेट खा सकती हैं? नहीं, आप आयरन के इंजेक्शन ले रहे हैं, और कैल्शियम की टैबलेट आप एक हफ्ते में एक ज़रूर खाया करें, आपको फ़ायदा रहेगा। एक्जिमा हस्बैंड को? हाँ, एक्जिमा के लिए गौंद चिलगोजा एक चुटकी रोज़ाना उन्हें खिलाया करें। मुझे उम्मीद है आपके हस्बैंड को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इन्होंने गड्ढों का जिक्र किया है पैरों में। हाँ देखिए, गौंद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं गौंद सिया, तो वो आप एक बार कर रहे हैं तो दो बार करना शुरू कर दें। पानी से कर रहे हैं तो दूध से शुरू कर दें, आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। नाटक से हैं सलमा जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि मेरे गले में तकलीफ हो रहा था, तकलीफ हो रही थी सर बहुत दिन से। मैं धनिया का पाउडर लगाना मिली थी और मैं स्कैनिंग मैट का स्कैनिंग कराई हूँ, वो थायराइड की जगह इंफेक्शन होके गांठ में दर्द होने लगा। वो गांठ में दर्द होकर एक महीना ट्रीटमेंट करी, मैं थोड़ा कम है फिर भी थोड़ा दर्द हो रहा है ठंडी में। मैं ये धनिया का पानी भी ले रही हूँ, धनिया का पानी जैसे सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन वो थायराइड का खून चेक करे तो लेकिन उससे थायराइड नहीं निकला सर, लेकिन थायराइड के जैसे एलोपैथी के ये कराए हैं ट्रीटमेंट था, लेकिन भी हो क्या हाल है सर थोड़ा बताइए, पूरा सा कम होने के लिए। देखिए, लंबा इलाज है और थायराइड की दवा भी न छोड़ें, और जब थायराइड का इलाज सही नहीं मिलता तो उसकी वहाँ पर गांठ अक्सर हो जाती है। तो नमक जैतून एक दो चुटकी और धनिया, आंवला और मेथी 100-100 ग्राम खरीद कर इनका पाउडर बनाएं, इस पाउडर को एक चम्मच खाएं और नमक जैतून के पानी से खाएं, दिन में दो बार लें और डॉक्टरों की दवा भी लें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।